आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ आप देखते जाइए, फिर मैं आपको नाम बताऊँगी। ये मैंने दो कटोरी मैदा लिया है, इसमें मैं थोड़ी सी ऑयल डालूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें बटर भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऑयल डाला, मैंने बटर नहीं बनाया है, बटर नहीं मिलाया। आप देखिए इसको अच्छे से ऐसे मिला लेना है। गाइस अब मैं इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, आप चाहे तो दो हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसको ये देखिए दूध में घोलूंगी, थोड़ा 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 करके डालिए। दूध और पानी दोनों से गूंथिए, ऐसा नहीं कि आप दूध में ही दूध में गूंथिए। इसको अच्छे से वो करिए गाइस, अच्छे से गुथना चाहिए। ऐसे ऐसे करके इसको अच्छे से गूथ लीजिए, इसमें पानी भी मिक्स करिए, ये नहीं कि आप दूध में ही गूंथें। इसको 10-15 मिनट में इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी ऑयल लगा के। देखिए गाइस ये हो चुका है, अब मैं बनाना स्टार्ट। अब मैं छोटी छोटी गोलियां बनाऊंगी, बस मैं उनको यहाँ रखती हूँ। गाइस मैं बड़ा सा गोला ले रही हूँ, इसको मैं बेल लूंगी, बता दूँ मैं कैसे करूँ। आज गाइस मैं जो बनाने जा रही हूँ मुझे भी नहीं पता, बस आइडिया आया है मेरे दिमाग में, इसलिए आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा था मेरा आइडिया। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। जगह जगह पे इससे काटूंगी। ये मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही घर में तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर ये है चॉकलेट, ये मैंने चॉकलेट डाल दी है। अब मैं इसको ऐसे बंद कर दूंगी, ऐसे दबा दूंगी। आप इसको किसी भी स्टाइल में वो कर सकते हैं कि आप कैसे बनाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेब देना चाहते हैं। ये मैंने एक ऐसा सेब दिया है, दूसरा दिखाती हूँ मैं कैसा सेब। इसको मैं छोटा सा ऐसा कट मार लूँगी इसमें। अच्छे से चिपक चुका है, इस तरीके से मैं एक दूसरा सेब भी बताती हूँ आपको। गाइस मैं दूसरा वाला सेब बनाने जा रही हूँ, ये थोड़ा छोटा हो गया, मैं अगली बार थोड़ा सा बड़ा बना। ये किया मैंने इसको ऐसा, यहाँ से भी ऐसा। मैं इन दोनों को ऐसे करूँगी, एक साथ मिला दूँगी और यहाँ से जुड़ा है तो मैं इसको यहाँ से ऐसा कर लूँगी और इसके बीच में चॉकलेट डालूँगी। मैं कम डालूंगी क्योंकि ये बहुत छोटा हो चुका है। देखिए मैंने चॉकलेट
भर दी है। ये मैंने ऐसे ही डाल रखी, जब मैं इनको फ्राई करूँगी ये अपने आप ही इसमें, आप इसको कैसी ही शेप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं दूँ। देखिए गाइस, अब मैं इसको ऐसे इसमें हल्का सा डिजाइन के लिए और कुछ नहीं, इस तरीके से आप ही तैयार कर सकते हैं। और गाइस अब इसको देखिए, अब मैं इसको इसमें मैंने बड़ा वाला डाल रखा, अब इसको आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं और इसको भी यहाँ से ऐसे बंद कर दीजिए। सिंपल भी कर सकते हैं आपसे, जरूरी नहीं कि डिजाइन वाला ही है। तो देखिए गाइस, और डिजाइन भी तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैं इसको लंबाई निकाल लूंगी ऐसे करके, बनाऊंगी मैं इसे और इसमें चॉकलेट लाइन से रख देना करके। जो बेटा बात मत करो अभी, मम्मा क्या करे, आपके लिए बना रही ना मम्मा। मैं इसको ऐसे ऐसे सिर्फ एक बना रही हूँ मैं, और सब गुजिया ने से। ये मैंने एक ऐसे फोल्ड कर दिया है, तो मैं इसको यहाँ से भी बंद कर दूँ। इजी होती है ना गाइस, मैं इसको इस डिजाइन में बनाना चाह रही हूँ, अब बनेगा नहीं बनेगा ये देखिए। ये देखिए फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे बनाना तो अच्छा लगता है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता। और अब मैं सारे के सारे गुजिया वाले स्टाइल में रखती हूँ, सोच रही हूँ कि ऐसा भी कर। क्योंकि मेरे पास और अभी कोई साधन नहीं था, इसलिए मेरा कब से मन कर रहा है ऐसा बनाने का। देखिए थोड़ा सा बना रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस जितने मेरे बच्चे के लिए। अब मैं इनको फ्राई कर चुका है, अब मैं इसमें इनको फ्राई करूँगी और कैसे होते देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करा है मैंने, ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है कि नहीं होता है देखते हैं आज। गाइस मुझे चॉकलेट वाली गुजिया बन चुकी है, अलग अलग शेप में बनाए हैं मैंने। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, कब से मेरा दिमाग सोचता था ऐसा लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बनाऊंगी ऐसा। आज आप लोगों के लिए मैंने ये भी बनाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, मुझे बहुत शौक है, मुझे बच्चों में टाइम नहीं मिल पाता है, आज मैंने कर ही दिया। मैं निकाल चुकी हूँ ऐसे करके, मैं जितने बनाए हैं उतने वो कर लूँगी, फिर मैं आपको बनने के बाद दिखाऊँगी। गाइस लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छा कर पाऊँगी। आज आप लोगों की वजह से ही मैं अपनी ये शौक पूरी कर पा रही हूँ, नहीं तो मुझे शायद रोज़ कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होते रहता, फिर आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है, आज टाइम नहीं है, लेकिन किसी बहाने तो कर पा रही हूँ मैं। मैं चाहती हूँ मैं रोज़ नए नए एक्सपेरिमेंट करूँ। मेरे बहुत अच्छे बन रहे हैं, देखिए आप भी अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं इस तरीके की चीज़। अभी मैं और चीज़ भी लेके आते रहूँगी।
हो चुके हैं, अब मैं इसको भी निकाल लूँगी।